हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल एग्जामिनेशन पर एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस के माध्यम से आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम 24 तारीख को होना प्रस्तावित है। और फ्रेंड्स, आप यहां पे देख पाएंगे हम कुछ फैक्ट्स आपको दिखाने वाले हैं कि आपका एग्जाम क्या होने वाला है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पे कुछ मिसक्रिएंट जो अभी आपको मिसगाइड कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है कि आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम डिले हो चुका है। तो दोस्तों, हम नोटिफिकेशन की तरफ चलेंगे कि जो आपका जो नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार का है। फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयनों के विज्ञापन संख्या 4/2019 द्वारा कनिष्ठ सहायक यानी सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 का आयोजन दिनांक 24/12/2019 अग्रिम आदेश तक स्थगित की जाती है। तो दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल फेक है दोस्तों, इसकी बिल्कुल पुष्टि नहीं की जा सकती है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ऐसे नोटिफिकेशन जारी नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, ये आप जो देख पा रहे हैं ये बिल्कुल सही गलत है, इसके चक्कर में आप बिल्कुल न पड़े। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि आज न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट आई है। फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह लखनऊ के न्यूज पेपर दैनिक जागरण में प्रेस की गई है। तो दोस्तों, आप यहां पर देख पाएंगे कि उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयनों की ओर से कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन परीक्षा 2019 के तहत कनिष्ठ सहायक के 1403 पदों के भर्ती होगी। इसके लिए 24 दिसंबर को दो पालियों में लिखित परीक्षा अयोध्या, लखनऊ, सीतापुर समेत कई जिलों में आयोजित होगी। तो दोस्तों, अभी तक आपका एग्जाम डिले होने की कोई भी संभावना नहीं है। दोस्तों, अगर आपका एग्जाम 24 तारीख है, अगर 23 तारीख तक नोटिफिकेशन आ सकता है दोस्तों, 23 के पहले नोटिफिकेशन कैंसिल होने का बिल्कुल नहीं आएगा। तो दोस्तों, आप इससे निश्चिंत रहें, अगर कोई अपडेट आती है तो इसके माध्यम से हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। जी दोस्तों, धन्यवाद।